सिंध में ताकतवर मानसून सिस्टम का राज, कराची समेत सूबे के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। सिंध में समंदरी तूफान का अलर्ट जारी, डीप डिप्रेशन का सुब समंदरी तूफान बनने का खदशा। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आइंदा 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेश गोई। सिंध की साहली पट्टी में बारिशों का इम्कान। कराची में आज स्कूल बंद रखने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आज होने वाला दाखिला टेस्ट मौखर। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। समंदर में नहाने पर पाबंदी आए, दफा 144 नाफिज। सिंध में भी बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, नशेबी इलाके से रियाब। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक। पतीत में मुसलसल 3रे रोज वक्फे वक्फे से बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नौशहर फिरोज में पानी आबादियों में दाखिल, मुतासरीन की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकली। हैदराबाद, नवाबशाह, मुटियारी, सांगर, ठट्ठा, सजावल में भी बुरे हालात। हैदराबाद में तालीमी इदारों में आज भी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। मानसून ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मलिका कोहसार में भी तेज बारिश, पहाड़ी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, जहलम की गलियां और सड़कें दरिया बन गईं। लोग मैयत पैदल लेकर जाने पर मजबूर। उकाड़ा में छत गिरने से खातून और बच्चा जान बहक। बुरेवाला में करंट लगने से 2 साल बच्चा जान से गया। पाकपतन में छत गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। डडियाला आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश के 22 आज स्कूल्स में छुट्टी दे दी गई। सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी। 1 इंच से ज्यादा बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। बालाकोट और वादी खागान में वक्फे वक्फे से बारिश। शहराए कराकुरम चिलास से गिलगित सेक्शन तक लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद, गाड़ियों की लंबी लाइनें। जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। और हमारे जो जवानों ने, अफसरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं, जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में इस मरहले को अबूर करेंगे। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका खात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुजीर है। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों का सर कुचला जाएगा। सुहागा का लहू रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों का हर सूरत सफाया करेंगे, कोई शक नहीं। आर्मी चीफ की क़यादत में ये मरहला उबूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। क्वेटा में वैक्स कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। कमेटी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने का आज़्म। इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और रबते मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क दुश्मनों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों और घुसपैठियों ने नाकाम स्कीम बनाई। गवातर में धरने करने वालों को मुल्क की खुशहाली से कोई मतलब नहीं। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी। 48 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की बलोचिस्तान में तैनाती की जाएगी। आधे अफसरों को फौरी 1 साल के लिए तैनात किया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला हुकाम भी मौजूद थे। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाएं, मेरा सोलर शोलर आप ऐसे ही कर लें। वज़ीर आला सिंध को पंजाब में सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लेने का टास्क। बिलावल भुट्टो जरदारी का ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को कहा है विफाक से बात करें, अगर हम भी पंजाब की तरह सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर प्रोग्राम फाड़ में जाए। आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम बेहतर है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ऐसा फैसला जो बानी पीटीआई ने लॉन्ग मार्च के बाद किया था उसका खमियाजा अवाम आज तक महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। अब ना तो लॉन्ग मार्च है ना अदम एतमाद, अब ऐसा फैसला समझ से बाहर आता है। अगर विफाक का नुमाइंदा हमें कायल कर दे तो हम अमल करेंगे, अगर विफाक का मंसूबा मुतनाज़े हुआ तो हमारा साथ दें, विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे तो आवाम का फायदा होगा। पंजाब की आवाम को अगली गर्मियों में भी बिलों में रिलीफ देने का मंसूबा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ नवाज़ का कहना है रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया। आवाम को रिलीफ और मुखालिफीन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई, बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई, मुकाबलेबाजी की गई, काम करने और बातें करने वालों में फ़र्क होता है। बिजली बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ का विजन है, कैडेट नवाज शरीफ को ही मिलना चाहिए। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म को भी खराज तहसीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवर्नमेंट ग्रेड हाई स्कूल आमद बैक टू स्कूल मुहिम का इशरा कर दिया, बच्चियों से मिलने के लिए क्लासरूम भी पहुंची। दूसरे लोग मंसूबा बना रहे होते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर देख ले, उसमें बिजली के मौजूदा मसाइल का हल मौजूद है। अगर विफाक हुकूमत सही चीज़ों का ऐलान करे तो सस्ती बिजली बनेगी, बिजली के बिल से हर कोई परेशान है। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, दो जख्मी, फायरिंग के तबादले में एक पुलिस अहलकार शहीद और दो जख्मी हो गए। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में अदा, तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध हुकूमत की तरफ से हलाक डाकू के सर की कीमत मुकर्रर है। इलाके का मुहासरा करके 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया, ऑपरेशन के दौरान डाकू का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। कौमी टीम का आज नया इम्तिहान, पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज शुरू होगा। शाहीन अफरीदी प्लेइंग 11 से आउट, मेस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद और फास्ट बॉलर मीर हमजा टीम मेन। रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन ग्रेस्पी का कहना है शाहीन अफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं फैमिली के साथ वक्त गुजारें। ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास ना कर पाए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया, ऐवान सदर में अरशद नदीम के एहसास में खसूसी तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम से मुलाकात, आसिफ अली जरदारी ने अपनी तरफ से 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ने कहा अरशद नदीम ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया, लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासर किया है। केपी हुकूमत की सूबाई असेंबली से मंजूर करारदाद विफाक को भेजने की मंजूरी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। करारदाद में कहा गया बानी पीटीआई और साथियों के खिलाफ मुकदमात में सबूत की कमी थी, बानी पीटीआई की उम्र 71 साल है, उन्हें सेहत के खतरात का सामना है, बानी पीटीआई को फौरी रिहा किया जाए, बानी पीटीआई की जबरी हिरासत की आजादाना तहकीकात कराई जाए। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज, यूनिवर्सिटी के गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटिशंस मिलना शुरू। पिटिशंस पे बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौसूम उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पिटिशंस पे बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालफीन को हरासा करने के इल्जामात लगाए गए। कहा गया सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड वज़ीर आज़म का लकब भी दिया। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई, वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की, वो अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से जेल में है। Thank you.
काश कोई बिलावल साहब को पूरी बात बता देता कि पंजाब के दो मंसूबे हैं। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी कहती हैं सोलर आने के इंतजार में बिलों में रिलीफ, बाद में सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद बलदियाती तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद दोनों ऐवानों ने बिल मंजूर किया था। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की सियासत पर पाबंदी लगाने की तजवीज, कहते हैं चंद माह के लिए सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बैठना होगा। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में एक और नशिस्त बढ़ गई। NA 79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती, नून लीग के जुल्फिकार भिंडर 3023 वोटों से कामयाब करार। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना जारी, मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान, कहा पीर तक मुतालबात ना माने तो टी चौक जाएंगे, रेड जोन जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। बालाज टीपू कत्ल केस के मुलजिम अहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फोन किया, कहा मैंने एक माह के अंदर बैरून मुल्क चले जाना है, जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। इशरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। लाहौर में एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। निश्तर कॉलोनी में लाश कार से मिली, नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद कर दी, सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना अफराद ही हज पर आ सकेंगे, हेल्थ एडवाइजरी जारी। गुर्दा, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के पेचीदा मरीजों को सफरे हज की इजाजत नहीं होगी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की अपनी सरपरस्त हिंदुत्वा जमात RSS से इख्तलाफात। RSS ने मोदी सरकार से मणिपुर के हालात मुस्तहकम करने का फौरी मुतालबा कर दिया।